अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो भाइयों, फाइव पांडा का रिव्यू आ चुका है, ठीक है। आप भाइयों को भी इसका इंतज़ार था बेसब्री से, और आपसे भी ज़्यादा मुझे था। फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यूज़ करना चाहता नहीं था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार ऐसे ऐसे होते हैं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी रिव्यू फिर इसका करना था, तो प्राइस भी इसकी सबसे पहले बता दूँ कि 2000 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है। ये इसकी जो है ऐसा ये कुछ ये दिया हुआ, ये क्या इसके ऊपर लिखा हुआ काबू जी, ये यू बी, ये इसके बीच में भी लगा हुआ, ये कुछ पट्टी सी है। तो इसकी जो है 2000 रुपये प्राइस है, और अभी आपको इसका रिव्यू करवाते हैं। 2000 रुपये में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये पड़ा हुआ है जोकर ब्लैक डायमंड, इसकी प्राइस 1900 रुपये, 2000 रुपये इसकी है, ठीक है। और ये दोनों का वेट बराबर है, केमिकल दोनों के ऊपर है, सेम केमिकल है दोनों के ऊपर। ये भी थोड़ा सा हेल्दी है, ये अगर इसकी केमिकल यहाँ से ये थोड़ी सी कम है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा। ये भी वैसे यहाँ तक ही है, इसका भी है, ये यहाँ तक नहीं है, इससे भी ऊपर है। ये आपको नज़र आ रहा होगा ना, जो ये ब्लैक कलर का जो है वो नज़र आ रहा है, यहाँ तक इसकी भी केमिकल है, ठीक है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है यार, देख लेते हैं फिर। हमें हमारे सेलर ने यह बताया कि इसमें कॉपी भी है, लेकिन ये जो ये पीस है इसमें क्या कहते हैं, किसी भी किस्म की जो है ना वो कंप्लेन नहीं आएगी। तो देखते हैं कि यार ये कैसा है, ओपन कर लेते हैं फिर। ये एंग्री पांडा के ऊपर बना हुआ यूबी, यूबी वालों ने बनाया है भाई, और इसको काफ़ी ज़्यादा सेलरों ने जो है किसी ने इंडिया का कहकर सेल किया है, किसी ने इंडोनेशिया का कहकर सेल किया है, लेकिन इसके में कोई बात तो है भाई, फेमस से बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और देखने से जो इसकी क्वालिटी है वो तो छुरे की तरह लग रहा है देखने से, लेकिन करते हैं इसको भी टेस्ट। लेकिन फिर भी यार इतना नहीं होना चाहिए कि यार इसकी, ठीक है, पैकिंग वगैरह इसकी यूबी वाला ने काफ़ी अच्छी की है, पाकिस्तान में लोकली मैनुफैक्चर्ड है। तो इसको भाई कोई इंडिया का क्या सेल करता रहा, कोई इसको जो है वो इंडोनेशिया का क्या सेल करता रहा। ऐसे कुछ इसको ये लगाया हुआ है असल की पहचान। तो इसको छोड़ें यार, इसके पीस की तरफ चलते हैं। 2000 रुपया हमने इसके ऊपर बर्बाद किया है, तो देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ ये निकल आया। सबसे पहले तो इसकी स्ट्रेंथ, मुकम्मल तौर पर खुशक है जुड़े वाली, इसमें कोई बात नहीं है। स्ट्रेंथ चेक करते हैं इसकी, ये क्या स्प्रिंग बना पड़ा, ये तो स्प्रिंग नज़र आ ही रहे हैं आपको, मुझे तो कुछ इसके बाद बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। केमिकल में लचक है, और लचक भी हैवी वाली है, स्ट्रेंथ इसकी जो है वो, स्ट्रेंथ पे बात कर लेते हैं भैया, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है, लेकिन बस कहने का गुजारा ही है स्ट्रेंथ इसकी वाली का। कलर पे स्ट्रेंथ इसमें जो है वो लचक है भाई, इसमें ये देखा ये है जी सीन इसका, कुछ 5 पांडा का केमिकल मजबूती है इसमें, लेकिन 4x वाली बात नहीं है इसमें।
डेढ़ दावा फिर भी इसके ऊपर जितनी इसकी मजबूती है आराम से उड़ जाएगा। कलर पे आ जाते हैं, कलर पक्का, कलर इसका पक्का है, ठीक है। ताज़ा केमिकल का कलर कच्चा ही होता है, लेकिन ये भी ताज़ा ही है। कार्ड पे आ जाते हैं इसके, मतलब किधर जा रहे हो? बैठ जाओ, फाइव पांडा को कार्ट वाली साइड से 7 out of 10 मिल जाएंगे या 7.5 out of 10 मिल जाएंगे, ठीक है। इसके धागे में लचक है, हाई स्ट्रेंथ धागा इसका नहीं है बिल्कुल भी, ये टूट रही है कटने का नहीं। इसकी कार्ट अच्छी है, फाइव पांडा की कार्ट जो है 7 जो है इसको 7 out of 10 मिल जाएंगे, ठीक है। इसका टक गोल लगवाई हुई है ना, तो कुदरा या ना ये मुलायम है, तो इसको 7 या 7.5 out of 10 मिल जाएंगे। आप बाय करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी इसको कार्ट वाली साइड से 7 या 7.5 देते हुए भी आपको कहूँगा यार आप इसको बिल्कुल भी ना लो। इसकी बजाय आप SS करें या मास्टर पीस ले लो, वो नहीं मेरा GT हिटलर ले लो। GT हिटलर की कार्ट इससे बड़ी कमाल की है, ठीक है, या नॉर्मल हिटलर, और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है GT हिटलर की। तो इसको जो है कार्ट वाली साइड से पांडे को भाई दे देते हैं हम 7 या 7.5। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये मैंने इसको थोड़े से कह लेंगे 5-6 पॉइंट ज़्यादा ही दिए हैं, ठीक है। इसके ऊपर शीशा काफ़ी अच्छा काम इसके ऊपर हुआ है, ये पांडे के ऊपर ना इसके ऊपर काम भी अच्छा हुआ है। तो इसकी कार्ट वगैरह को मैंने अच्छी तरह से टेस्ट किया है, इसके 7 नंबर तो बनते हैं इसके वाकई में, ठीक है। 7.5 ये मैं इसको कहने के दे रहा हूँ, ये SS के सामने कुछ भी नहीं है। ये मैंने जस्ट रिव्यू के लिए बाय किया, ठीक है। मुझे जो है वो इसको लेने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं था, मुझे पता था एक्चुअली कि इसकी जो क्वालिटी है वो SS से अच्छी नहीं हो सकती। मुझे बिलीव था, 100% मुझे बिलीव था, मैं सच बता रहा हूँ। तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैंने जस्ट इसको रिव्यू के लिए बाय इसके दो रिव्यू के लिए बाय किया। इसके बाद 2000 रुपये मैंने वेस्ट किया, जस्ट वेस्ट तो नहीं खैर किया। कार्ट इसकी जो है वो अच्छी है माशाल्लाह से। तो ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।